जी, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग नाउ। ओके, वी विल वेट अंटिल 5 मिनट, देन वी विल स्टार्ट आवर सेशन। अच्छा जी, शेयर स्क्रीन। आई थिंक सो मैनी स्टूडेंट्स हैव जॉइन द मीटिंग। कैन यू पीपल हेयर मी प्रॉपरली? यस सर, यस सर, ओके। तो एक्चुअली आपका डिपार्टमेंट बंद है, तो वरना यही सेशन आपका लैब में होना था। डिपार्टमेंट बंद है मेरा, एक्चुअली मैंने ये क्लास उधर रूम से लेनी थी, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस आई वाज अनेबल एंड सो आई हैव इन आईपीसी। तो ये आपका जो सेशन है ये ऑनलाइन होगा, और जो इसकी वैसे इस सेशन के बाद हमने इसको परफॉर्म करके आपको दिखाना था। जब आप लोगों ने रिज्यूम आपकी यूनिवर्सिटी हो जानी है तो आप लोग देन आके इसको परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। बट अभी हम इसकी जस्ट थ्योरी से गो थ्रू होंगे, क्योंकि तो अभी तो हम परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि आपकी लैब बंद है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है डेट इज अबाउट सॉल्यूशंस। पहले देखो कितने बच्चे आ गए हैं, ये कैसे। अच्छा जी, हमारा आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल इज अबाउट सॉल्यूशंस, के सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, और हम स्टॉक सॉल्यूशन से अपना डिजायर सॉल्यूशन। सोनिया यासर, व्हाट इज दिस, हु डन दिस? सॉरी सर, गलती। बिहेव योर सेल्फ बेटा, आप लोग बड़े बड़े हैं, इसको रिमूव करें अभी। ऐसे ना हो मैं आपको फिर उधर कमेटी में भेज नहीं दूं, होगा ये रिमूव ना, गलती और तो हो गई मैंने। और आप बेटा फिर मुझे बाद में पूरा सेमेस्टर, पूरी रिमेनिंग योर डिग्री आप मुझे दुआएं देते रहे। रिमूव करें बेटा इसे, शाबाश। सर ये रिमूव नहीं हो रहा, ये तो मैं भी नहीं रिमूव कर सकता, डेट इज नॉट गुड बिहेवियर। आप लोग सीनियर बच्चे हैं तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर साइड।
सर ये मैंने नहीं किया, ये खुद ब खुद ही हो गया, मुझे नहीं पता कैसे हुआ है ये, इसलिए रिमूव भी नहीं हो रहा मुझसे। अच्छा, ये आपने नहीं किया और आप फिर खुद पे ब्लेम भी ले रही हैं, तो फिर किसने किया है? नहीं मैं कह रही हूँ सर मुझे नहीं पता ये किस तरह हुआ है, ये मैंने खुद नहीं किया, मैं ये कह रही हूँ। अच्छा, जी सर ये रिमूव भी नहीं हो रहा अब। चलो। अच्छा जी, अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट सॉल्यूशंस। तो जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में दो चीज़ें आती हैं कि सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक आपका सॉल्यूट होता है और एक आपका सॉल्वेंट होता है। ठीक है। अच्छा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों आपस में होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, होमोजीनियस का मतलब होता है कि इनको मिक्सअप करने से पहले इनकी जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, बट जब आप इनको मिक्सअप कर देते हैं तो इसमें देन जो आपके पास होमोजीनियस मतलब दोनों की जो फिजिकल स्टेट है वो सेम हो जाती है, तो डैट थिंग इज कॉल्ड होमोजीनियस। तो सॉल्यूशन जब आप दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो ये आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। इस होमोजीनियस मिक्सचर को आप कहते हैं कि ये अब आपका क्या बन गया है, सॉल्यूशन है। तो जो आपके सॉल्यूशन के अंदर जो जो एंटिटी क्या होती है हाई अमाउंट में होती है तो उसे आप कहते हैं कि ये आपका सॉल्वेंट है। ठीक है। जो क्वांटिटी आपके पास लेस अमाउंट में होती है या जो एंटिटी है जो थिंग आपके पास लेस अमाउंट में होती है आप इसको कह देते हैं कि ये आपकी क्या है, ये आपका सोल्यूट है। लेट्स सपोज जैसे मैं कहता हूँ कि आप बनाते हैं चाय बनाते हैं। ठीक है। चाय में आप जो बेसिक चीज़ होती है एक आपका जो आप ऐड करते हैं जो आपका कलरिंग एजेंट है टी होती है जिसे आप टी कहते हैं, एक्चुअली जो आपकी पत्ती होती है वो आपका एक्चुअली चाय चाय में वो मेन पार्ट होता है और सेकंड थीम आपका वाटर होता है। तो इसमें अगर आप देखें कि आपके पास जो टी है टी बैग के अंदर जो आपका होता है डेट इज योर सोल्यूट, तो इसकी अमाउंट क्यों क्या होती है लेस होती है और वाटर क्या है इसमें आपके पास मैक्सिमम अमाउंट में होता है, तो इसको आप क्या कह देते हैं, ये आपका सॉल्वेंट है। सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से आपके पास क्या हो जाते हैं, आपके पास सोल्यूशन बन जाता है। और जो आपके पास चाय होती है इसमें मोर देन वन आपके पास क्या होते हैं सोल्यूट्स होते हैं, क्योंकि उसमें आप टी ऐड करते हैं शुगर भी ऐड करते हैं और जो इसमें सोल्यूट है वो भी मोर देन वन होते हैं, इस क्योंकि इसमें आपका जो मिल्क है वो भी एज आ सोल्यूट ही एक्ट करता है क्योंकि वो भी लिक्विड और इसकी क्वांटिटी भी कंपेरेबल होती है। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास आ जाती है कंसनट्रेशन। जब आप कंसनट्रेशन की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है, मैं देन आपको बताता हूँ कि ये रेशियो होती है। रेशियो किस किस की होती है, ये रेशियो आपके पास होती है सोल्यूट की और प्लस सॉल्वेंट की। सोल्यूट और सॉल्वेंट की रेशियो किसके अंदर, जो आपके पास सोल्यूशन है सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को आप क्या कहते हैं, जो रेशियो होती है इसकी सोल्यूट और सॉल्वेंट की सोल्यूशन के अंदर इसको आप क्या कह देते हैं, ये आपका कंसंट्रेशन है। डैट इज नॉट लुकिंग गुड, बिकॉज स्क्रीन पे ये लाइनिंग है, एनी वन कैन रिमूव दिस। सर आपको ऊपर एनोटेशंस का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, रिमूव एनोटेशंस वहां से कर दें। रिमूव एनोटेशन मुझे तो नहीं लग रहा ये, एक सेकंड। सर स्क्रीन स्क्रीन बंद करके फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ ये ठीक है। हाँ अब ठीक है। किधर के, हाँ ये है। हाँ अब ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास सॉल्यूशन के अंदर जो आपका सॉल्यूट है वो क्या हो, वो अगर हाई अमाउंट में हो
तो देन आप कह देते हैं कि आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है कि उसमें जो सोल्यूट की क्वांटिटी है वो हाई है और उसमें कंपेरेबल टू सॉल्वेंट। अगर आप कहें कि आपका सोल्यूशन डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट होने का मतलब होता है कि उसके अंदर जो सोल्यूट है वो लेस अमाउंट में है। जैसे आपके पास ये पिक्चर शो कर रही है, एक में आपके पास जो सोल्यूट है, जो आपका सोल्यूशन है उसका कलर डीप है और एक में उसका कलर लाइट है। ये क्या शो कर रहा है कि इसके अंदर जो सोल्यूट है वो ज़्यादा मिक्स हो गया हुआ है और इसके अंदर जो आपके पास क्या है कि इसमें जो आपका सोल्यूट है वो लेस अमाउंट में है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप परसेंटेज की बात करें, कंसंट्रेशन बाय परसेंटेज, परसेंटेज में आपके पास 4 टाइप्स की कंसंट्रेशन बन जाती है। ये 2 आपके पास लिखी हुई है, वेट बाय वेट परसेंटेज कंसंट्रेशन, देन इसके बाद आ जाता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन, देन आपके पास आ जाता है वॉल्यूम बाय वेट कंसंट्रेशन और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। जो आपके पास मोस्टली यूज होती है परसेंटेज कंसंट्रेशन में, इसमें आपके पास एक होती है मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन और एक आपके पास होती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आपके पास मोस्टली जो सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि अगर आपके पास सॉल्यूशन हो शुगर का सॉल्यूशन है, कोई आप में से कह देता है कि ये 10% ग्लूकोज का सोल्यूशन है, 10% ग्लूकोज। क्यों? हम जानते हैं कि हमारे पास जो होता है ग्लूकोज या शुगर है, डेट इज अ इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ये आपके पास क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, ये सॉलिड होती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो हमारा किस फॉर्म में है, वो सॉल्वेंट हमारा लिक्विड फॉर्म में है। तो अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है और जो हमारा सोल्यूट है वो किस फॉर्म में है, वो सोल्यूट हमारा है सॉलिड फॉर्म में। तो ये वाली जो हमारी कंसंट्रेशन है इसको हम कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन, मास बाय वॉल्यूम। देन इसमें आपको पता चल जाता है कि अगर आपने जो भी जिस भी कंसंट्रेशन या जिस भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आपने सोल्यूशन बनाना हो वो आपके पास आ जाता है। जैसे अगर आप कहते हैं कि आपने 10% शुगर सॉल्यूशन या NaCl का सॉल्यूशन बनाना है, कितने वॉल्यूम में, आप कह देते हैं कि आप लोगों ने बनाना है 20 ml के अंदर, तो ये भी आप बहुत इजीली बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने बनाना हो सॉल्यूशन बनाना हो यही सॉल्यूशन 10% और आप वॉल्यूम चेंज कर देते हैं कि आपने बनाना है 50 ml के अंदर, तो ये भी आप लोग बना सकते हैं। इसका बहुत इजी सा आपके पास फॉर्मूला होता है। अच्छा, देन आपके पास और भी इसमें लिखे हुए पार्ट्स पर बिलियन, ये तब आप फाइंड आउट करते हैं जब आपके पास जो सोल्यूट है वो वेरी हाई अमाउंट में हो। जैसे अगर आप सैंपल लेते हैं फ्रॉम सी या ओशन से आप सैंपल लेते हैं, तो उसमें जो आपके पास कंसंट्रेशन यूज होती है वो उस वक्त आप पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन आप यूज करते हैं। देन आपके पास जो मोस्ट कॉमनली यूजेबल आपके पास कंसंट्रेशन है, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी ये आपके पास जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट में आता है मोल्स, उसके अकॉर्डिंग ये आपकी कंसंट्रेशन है। और इसके बाद आपके पास आ जाती है मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी, और ये आपके पास 4% है, 5 बन जाती है। अच्छा, हम वन बाय वन इसमें हम देखते जाते हैं। ये लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड वो होगा जिसमें आपके पास जो सोल्यूट की अमाउंट है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सोल्यूट क्या होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, आपका क्या होता है ज्यादा होता है। और जो आपके पास डाइल्यूट सोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, आपका जो सोल्यूट है वो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट क्या होता है, लेस होता है। अच्छा, ये आपके पास टू एग्जांपल इलस्ट्रेट कर रही है कि कौन सा डाइल्यूट है और कौन सा कंसंट्रेटेड है। जैसे हमने बात की कि कंसंट्रेटेड में क्या होता है, इसमें सोल्यूट की मकदार क्या होती है, थोड़ी हाई होती है, और जो आपके पास डाइल्यूट सोल्यूशन होता है उसमें आपकी जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है या जो सोल्यूट की अमाउंट है वो क्या होती है,
मिनिमम होती है। अनूर फातिमा आप कुछ कहना चाह रही हैं? नो सर। अच्छा ठीक है, अब हम आ जाते हैं परसेंटेज। ठीक है, हमारे पास हमने बात की कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की परसेंटेज होती है, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वेट कंसंट्रेशन। इसमें हमारे पास ये सिंपल फार्मूला है, इस फार्मूला से आप कोई भी जो आपने मोस्टली सॉल्यूशंस बनाने होते हैं उसमें आपके पास जो कंसंट्रेशन यूज होती है डेट इज वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आप तब यूज करते हैं जब आपके पास दोनों जो सोल्यूट हैं वो किस फॉर्म में हो, वो लिक्विड फॉर्म में हो, और वेट बाय वॉल्यूम तब यूज करते हैं जब आपका जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड हो और जो आपका सोल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में हो। अच्छा, अगर हम इस फार्मूला पे गौर करें, परसेंटेज बाय वेट, वेट बाय वेट परसेंटेज है, इसमें क्या होता है कि आपने जो भी सॉल्यूशन बनाना है उसमें आपने इसका जो आपका सॉल्यूट है और जो आपका सॉल्वेंट है वो किस फॉर्म में है, वो सॉलिड में ही होते हैं। बट अगर हम इस पे देखें मास ऑफ सॉल्यूट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो उसने नीचे एग्जांपल भी दी है कि व्हाट इज द परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इफ 3 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 17 ग्राम ऑफ वाटर, कि इसकी परसेंटेज क्या होगी अगर आप 3 ग्राम ऑफ NaCl आप ऐड करें किसके अंदर, 17 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। जिसमें हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लेते हैं वो किस में लेते हैं, हम जो मास का यूनिट है उसमें लेते हैं। तो क्या करेंगे कि आपने जस्ट सिंपली इस फार्मूला को फॉलो करना है। अगर आप गौर करें इस फार्मूला से आप कई चीज़ें से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको नोन हो कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है तो उसमें आप अननोन मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास टोटल मास सॉल्यूशन का नोन हो, अगर आपको दो चीज़ें इसमें नोन हो नोन है तो आप थर्ड थिंग जो है वो इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर आप मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर उसमें आपको क्या क्या नोन हो, परसेंटेज जो सॉल्यूशन की है और टोटल वॉल्यूम जो आपको रिक्वायर्ड है वो वाला। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के। इसमें क्या होता है कि आपका जो सॉल्यूट है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो आपका सॉल्यूशन है वो तो ऑलरेडी किस में होगा, लिक्विड में होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि उसने नीचे एग्जाम्पल से भी इलस्ट्रेट किया हुआ है कि वट इज द वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन इफ 20 ml ऑफ अल्कोहल आर डिजॉल्व इन 50 ml ऑफ सोल्यूशन। देखे अल्कोहल उसने बात की है कि इसमें जो आपका सोल्यूट है, अल्कोहल इस वक्त इसमें एज आ सोल्यूट एक्ट कर रहा है, तो जो उसने वॉल्यूम बताया एंड वॉल्यूम वो आपने उसने बता दिया कि ये 50 ml है। तो इस सोल्यूशन की परसेंटेज क्या होगी, अब अल्कोहल की बजाय अगर वो बता देता है कि आप लोग फाइंड आउट करें कि इसका ये है, लेट्स सपोज आपके पास 20% सोल्यूशन है किसका, HCl का, कितने के अंदर, ये वो बता देता है 50 ml के अंदर वो, बट वो पूछ लेता है कि कितना HCl इज रिक्वायर्ड, आपको HCl कितना चाहिए इस अमाउंट का सोल्यूशन बनाने के लिए, तो आप इस फार्मूला से आप इसको आल्टर करके वो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली उन्होंने ये इसको सॉल्व किया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट उसने बता दिया है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है उसने बताया 50 है। अगर आप इसको फाइंड आउट कर लें, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई के उसको सॉल्व करें तो ये आपके पास टोटल कंसंट्रेशन आ जाती है। इसके बाद आती है आपके पास मोलैरिटी। मोलैरिटी एक्चुअली क्या होती है, ये जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है या जो भी आप बाय करते हैं थिंग कोई बाजार से या जो भी शॉप से, उसके ऊपर जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी उसके ऊपर जस्ट मोलैरिटी मेंशन होती है। आपने उस मोलैरिटी से क्या करना होता है, उससे आप फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन करते हैं, आप डाइल्यूशन फार्मूला लगाते हैं, या फिर आपने कोई भी सॉल्यूशन बनाना हो मोलैरिटी का, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है। तो मोलैरिटी एक्चुअली क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन किस में हो, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो आपकी क्या होती, वो क्या होगी, वो होगी इसकी मोलैरिटी होगी गिवन सैंपल की। लेट्स वो जैसे अच्छा इसने यूनिट्स आपसे डिस्कस की, मोल्स पर लीटर या मोलर इसको कहते हैं। अच्छा आगे उसने एग्जांपल भी दिया, पॉइंट
5.500 मोल पर लीटर, ये इक्वल होगा 0.5 मोलर के। अच्छा, ये जो आपके पास फॉर्मूला है इससे आप कई चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इस फार्मूला को अगर आप देखें, ये आपके पास इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये किसके इक्वल होता है? सॉरी, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ डेट सॉल्यूट। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? ये आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो इसके इक्वल होते हैं, और लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन और मोलैरिटी। ठीक है, इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो सकती है, इसमें नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो सकते हैं, इसमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपके पास गिवन मोलैरिटी है और उसके आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो उससे आप डिफरेंट चीज़ें आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसमें आगे जस्ट एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप ये वाली एग्जाम्पल देखें, व्हाट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अब उसने क्या पूछ लिया इसमें कि आपके पास जो मोलैरिटी है सॉल्यूशन की वो कितनी होगी। उसने बता क्या दिया है कि 20 ग्राम ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इट डिजॉल्व इन एनफ वाटर टू मेक 800 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आप इस पे गौर करें, उसने जस्ट पूछा है कि इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, उसने बता क्या दिया, उसने आपको ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट बताए हैं। ठीक है, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट अगर आपको नोन है तो आप इससे क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इससे नंबर ऑफ मोल्स इसमें से निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हैं? मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये इसने इधर मेंशन भी किया होगा, 1 mole ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, अच्छा, कन्वर्ट टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो कैसे होंगे? वो इसने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, ये देखें, ये 20 ग्राम उसने बताए हैं, और मोलर मास कितना है इसका, ये मोलर मास है, ये देखें, ये आपके पास कितने आ गए, 0.198 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इसके बाद अब आपने क्या करना है, कन्वर्ट ml टू लीटर या डेसीमीटर क्यूब के अंदर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसके आपके पास आ जाएगा जो उसने पूछा है 800, ये आ गया, तो इसकी फिर आपके पास क्या बन गई, मोलैरिटी आपके पास क्या आ जाएगी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, आगे वाली एग्जांपल में भी क्या है, व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन, वही सेम बात उसने पूछ ली है कि मोलैरिटी क्या है सॉल्यूशन की, उसने क्या बता दिया है, अब उसने नंबर ऑफ मोल्स बता दिए हैं, कितने वाटर के अंदर है, इतने के अंदर डिजॉल्व है, तो उसकी मोलैरिटी आपके पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको ना इसकी कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपसे अभी आपको सेंड करूंगा, तो आपने वो सॉल्व करके ना मुझे अभी आपने रिटर्न कर देनी है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है आपके पास, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये उसी की एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, इसमें अब आ जाती है डाइल्यूशन फार्मूला, ये भी एक मेन फैक्टर है जो आप मोस्टली यूज करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है कि इसमें आपको एक जो आप जो भी कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे आप HCl लें या सल्फ्यूरिक एसिड लें, तो उनकी जो मोलैरिटी होती है वो फिक्स होती है। जैसे अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लें फ्रॉम बाय करें, अगर आप इसको शॉप से बाय करें, तो उसकी उसके ऊपर मोलैरिटी मेंशन होती है कि 36 मोलर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, या फिर वो 98% डाइल्यूट होता है, या फिर अगर आपने इसका HCl कह लें तो वो भी ऐसे ही उसके ऊपर उसकी मोलैरिटी मेंशन होती है। आपने उसको क्या करना है, जस्ट डाइल्यूट करना होता है, और डाइल्यूट करके आपने अपने रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन के अकॉर्डिंग उसको आपने कन्वर्ट कर लेना होता है। ठीक है, तो डाइल्यूशन में क्या होता है, टू ऐड सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन, तो इसके पास जो आपके पास सिंपल फार्मूला है, डेट इज इक्वल टू M1V1 इक्वल टू M2V2, M1 इज इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपको नोन होती है वो M1 में आती है, और जो आपको अननोन होती है वो आप M2 में रखते हैं। अच्छा, M1 इनिशियल, V1 इनिशियल, M2 इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन, और V2 फाइनल वॉल्यूम। इससे आप क्या करते हैं,
कि आपके पास जो इनिशियल सॉल्यूशन होता है वो आपके पास होता है, जो आपके पास स्टॉक सॉल्यूशन भी होता है, जो आपके पास स्टॉक है मतलब आपने लिया है सॉल्यूशन लिया है इसका, या आपके पास ये वाला है सल्फ्यूरिक एसिड का है प्योर सॉल्यूशन है जो आपने बाय किया हुआ है फ्रॉम शॉप, तो उसके ऊपर जो लिखी होती है कंसंट्रेशन वो आप M1 में पुट करते हैं, जो आपने रिक्वायर्ड बनानी होती है, जैसे लेट्स सपोज आपने 0.25 मोलर बनानी है सल्फ्यूरिक एसिड की फ्रॉम स्टॉक सॉल्यूशन, तो आप इससे आप क्या करेंगे बनाएंगे कितने वॉल्यूम में बनानी है वो आप V2 में लिख देते हैं, और कितना वॉल्यूम आपको चाहिए होगा फ्रॉम V1 वो आप लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टॉक सॉल्यूशन होता है जिसमें आप क्या करते हैं, स्टॉक सॉल्यूशन मतलब जो आपने जिसकी आपको कंसंट्रेशन नोन है, तो उससे आप क्या करते हैं आप अपनी डिजायरेबल जो आपको अमाउंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप लोग बना सकते हैं। अच्छा, ये देखेंगे उन्होंने आपको बना के दिखाया हुआ है, टू व्हाट वॉल्यूम शुड 40 ml ऑफ 18 मोलर सॉल्यूशन बी डाइल्यूटेड। ठीक है, अब उसने बता दिया है कि आपके पास जो स्टॉक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है 18 मोलर है, और टू व्हाट वॉल्यूम शुड 40 ml ऑफ, तो उसका टोटल वॉल्यूम कितना है 40 ml है डाइल्यूटेड। अच्छा, अगर आपने बनाना हो 3 मोलर, थ्री मोलर बनाना है तो आपको इसमें से कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो वो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लगाते हैं, ये फार्मूला आप अप्लाई करते हैं M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 आपका 18 मोलर है और V1 आपका 40 ml है, और M2 आपके पास 3 मोलर है और V2 आपके पास आपने फाइंड आउट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2, ये इन्होंने सॉल्व किया है और ये आपके पास आ गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने नाइट्रिक एसिड का बनाना हो तो वही आपके पास आ जाएगा। और अच्छा, इसके बाद आ जाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जो ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशन की के जो डिपेंड करती हैं ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन, के जितने उसके अंदर जब आप किसी भी सॉल्यूशन में क्या ऐड करते हैं सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डेविएशन आती है या जो एलिवेशन आता है वो उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आपके पास बॉइलिंग पॉइंट हो जाए, इसको आप जैसे आपने पढ़ा था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या लोअर इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ प्योर सॉल्वेंट, और लोअरिंग पॉइंट के टू द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मीनिंग द ग्रेटर द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल द ग्रेटर द एलिवेशन। जैसे अगर आप देखें कि आपके पास जो होता है वाटर है, ठीक है, वाटर का वैसे नॉर्मली जो बॉइलिंग पॉइंट है डेट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बट जब आप इसके अंदर क्या चीज ऐड करते हैं, कोई सोल्यूट ऐड कर देते हैं, लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि हमने इसके अंदर शुगर ऐड कर दिया है, तो जब हम इसके अंदर शुगर ऐड करते हैं और ऐड करते जाते हैं, तो आप देखते हैं कि पहले तो वो बॉयल होता था 100 डिग्री के ऊपर, बट अब वो किसके जैसे जैसे आप इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है, मतलब वो 100 पे बॉयल नहीं हो रहा, वो बॉयल हो रहा है 150 पे, या फिर वो चला जाता है 250 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्या हो रहा है कि ये वो अपने जो उसका सेट पॉइंट है सोल्यूट का प्योर प्योर सॉल्वेंट का, उसे क्या करके वो डेविएट कर गया, ये इसकी कौन सी होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ऐसे ही लोअरिंग इन ये क्या होती है कि आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है लोअर हो जाता है, ऐसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी किस वजह से होता है, जब आप किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसकी जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाती हैं, वो डेविएट कर जाती हैं फ्रॉम सेट पॉइंट। ठीक है, मेरी
दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। इसमें जो आपने मेन परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मैं अभी आपको कुछ प्रॉब्लम्स सेंड करूंगा, वो आपने सॉल्व करके ऑन रफ पेपर वो आपने मुझे अभी रिटर्न करनी है, ठीक है। इसमें से आप लोगों ने कुछ पूछना हो तो यू आर वेलकम। सर मेल करनी है? मेल मेल कर दें या मेल ही कर दें, दैट इज बेटर। इसमें से अगर आप लोगों ने कुछ पूछना हो जो अभी हमने किया है, वैसे आज हम लोगों ने टू प्रैक्टिकल्स परफॉर्म भी करने थे, इसके बाद हमने डीएनए एक्सट्रैक्शन वाला करना था, बट ड्यू टू क्लोजर ऑफ लैब वी विल ओनली डिस्कस दिस वन। इसमें से आप पूछ लें जो अभी आपको आपसे डिस्कस किया है सॉल्यूशन और इनकी कंसंट्रेशन से। सर कब तक सबमिट करवाने हैं? सर जी कब तक सबमिट करवाने हैं? ये भी आपने लैब टाइमिंग के अंदर ही करवाना है, ये लैब आपकी शुरू होती है 11 बजे और एंड होती है 1:30 पे, तो बिफोर 1:30 आप लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से पूछ लें जो आप लोगों ने कुछ जिसकी समझ ना आई हो आप लोगों को। सर सर जैसे फॉर एग्जांपल 10% सोडियम क्लोराइड वेट बाय वेट लिखा हो और उसके सॉल्वेंट की जो वेट है वो गिवन ना हो तो उसको कैसे मेजर करना होगा? अगर आपको क्या गिवन हो, 10% आपसे कहा जाए आपने 10% NaCl का बनाना है और एंड वॉल्यूम आपको पता हो, ठीक है, उसमें जस्ट सिंपली आपने ये फॉर्मूला आपने पुट करना है ये वाला, ये वाला, ठीक है। लेट्स सपोज उसने कह दिया कि आपने 10% बनाना है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ जहाँ पर लिखा ना परसेंटेज, यहाँ पर आप 10 लिख दें जो टोटल वॉल्यूम है, लेट्स सपोज वो कह देता है कि आप बना दें 20 ml के अंदर बना दें या 30 ml के अंदर बना दें, वो इस जगह पे लिख दें टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास आ जाएगा, इसकी जगह पे आप क्या लिख दें एक्स लिख दें, और देन आप लोग इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे उसमें से आप अपना जो डिजायर्ड वॉल्यूम है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये लिखना वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसमें क्या आ जाएगा मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ सादुल्ला किधर है? यस सर। हाँ सादुल्ला क्या समझ आई है इसमें? सर ये ओवरऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ आई सर, अगर हम किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट डलवाएगा तो उसका टेम्परेचर जैसे वाटर का टेम्परेचर 100 है, तो अगर उसमें हम सॉल्यूट डालता जाएगा उसका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा साथ साथ। अच्छा बस इसकी समझ आई, बाकी नहीं आई? फ्रीजिंग है वो लोयर होता जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा तो ये कितने लोग आए हुए हैं? एक ये 27 है, आप लोग टोटल कितने हैं इस लैब में? कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है? 33 मतलब मुझे मिला के आप लोग बन रहे हैं 26, तो 5-6 बच्चे, 6-7 नहीं है, कौन का नहीं है? ये मुदस्सर है इधर? मुदस्सर, उमेर, फैजान, जैनुलाबदीन, अब्दुल्ला, सादुल्ला, शेर अली, सिद्रा, जूफा, आसमा, शानजे, आयमा, फिजा, जुनैशा,
फायजा, सना अफजल, तहरीन साजिद, यस सर जरनैन करीम जी, फातिमा, शहरीन, रिदा अरफ, जैनब असगर, कुर्रतुलैन, निमरा अफजल, हदीका इनाम, उजमा जफर, सोनिया यासिर, मीरब यस सर, खालिद, मुस्कान अरूज और नूर फातिमा। इनके अलावा कोई और जिनका नाम ना लिया मैंने, कोई सर मैं कौन, मरियम, मरियम, जी अच्छा मरियम इमरान, और सर मैं निम्रा अफजल, मेरा मुझे मेल नहीं आई है आपको आपकी, मेल अभी नहीं आई मेल आपको, सर ये फ्रेंड ने लिंक सेंड किया था। चलिए मैं इसको ना अपडेट कर देता हूँ, ये जो वाला जो है ना, हमें एक्चुअली मैं मेरे पास आपकी ना आईडीज नहीं थी, तो आपने जो लास्ट टाइम अटेंडेंस दी थी ना, मैंने उससे आपका ये सेट किया है। अच्छा और कौन है जिसका नाम नहीं आया, जैनब, यस सर नहीं जैनब का नाम मैंने लिया है, एनीवन एल्स, सर एक सुफियान है उसका नाम नहीं लिया आपने। अच्छा ऐसे करें कोई आप में से ना, ये जो है ना सारे पार्टिसिपेंट्स, ये अभी अभी 29 हो गए हैं, कल 27 थे, कोई आप में से ना ये जो पार्टिसिपेंट्स है ना इनकी स्क्रीनशॉट लेके ना मुझे सेंड कर दें, मेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें, शेयर अली आप कर दें, शेयर अली कैन यू हियर मी, यस सर ये पार्टिसिपेंट के ना स्क्रीनशॉट लेके ना मुझे आप सेंड कर दें, ठीक है, तो मैं ना अभी आपको ये प्रॉब्लम्स सेंड करता हूँ, तो वो आप सॉल्व करके ना मुझे फिर सेंड कर दें, तो हर एक ने ना अपना अपना ट्राई करें कि आप खुद अटेम्प्ट करें, ठीक है, अगर आप गलत करेंगे तो मुझे खुशी होगी, अगर आपने सब ठीक किया होगा तो ये फिर बात मुझे लगेगा कि आप लोगों ने चीट किया है, आप लोग अपना माइंड यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा, अगर आप दूसरों का माइंड यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, वो आपने ऐसे किया है जैसे आपने कोई चीज़ बारो लेते हैं फिर वो आपने वापस करनी होती है, आप अपना जी स्लाइड मेल कर दें, स्लाइड मेल कर दूँ, ठीक है स्लाइड भी मैं मेल कर देता हूँ आप लोगों को सर जी, सर वो जो खुशी के साथ मार्क्स भी मिलेंगे ना हमें, हैं क्या मार्क्स कौन से, हाँ आपने मार्क्स अभी बोल, आपने अभी बोला ना कि अगर गलत भी होगा तो मुझे खुशी होगी, हाँ हाँ नहीं नहीं वो मतलब खुशी इसी सेंस में होगी कि आपने खुद अटेम्प्ट किया है ना, मैं अभी आप लोगों को सेंड करता हूँ, जस्ट गिव मी, मैं आपको 12 बजे तक ना सेंड कर देता हूँ, ठीक है, अगर आप लोगों की कोई आप लोगों की क्यूरी है तो बता दें वरना आप लोग लीव कर सकते हैं सर ये ग्रेडेड है क्या, सर ये ग्रेडेड है, अच्छा हाँ ग्रेडेड ग्रेडेड, हाँ ग्रेडेड ही है जी, एंड पे एवेल्युएट होगी बट अभी ये ग्रेडेड ही है, ठीक है, अच्छा आप लोगों की कोई क्यूरी हो किसी की देन आस्क, इफ नो देन लेफ्ट, नहीं है ओके यू पीपल कैन लीव, सर क्वेश्चंस कहाँ पर आएंगे, मैं मेल करता हूँ आपको ना ओके सर।
मैं मेल करता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी पे सॉल्व करके फिर आप उसको ना मुझे मेल करेंगे, ठीक है? ओके ओके सर। अगेन यू 80%। आप लोग लीव कर जाएं।